टेक्निकल ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक ब्रो यूट्यूब चैनल और मैं हूं रावदास आपके साथ। आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं मोटोरोला की तरफ से जो मोटो सी प्लस का जो फ़ोन आ रहा है जो कि लगभग 10,000 के अंदर आता है, तो वो फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप अगर सोच रहे हैं मोटोरोला की तरफ से कम प्राइस के अंदर एक फ़ोन तो वो ले, या और कोई सजेस्ट हो सकता है कि नहीं, या मोटोरोला ये फ़ोन का लेना ठीक रहेगा नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा डीलिंग से आपको बताएंगे ये ठीक है या क्या गलती है, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज मिलता है। तो बिना टाइम का लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका मेन हाइलाइट्स क्या 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 को देखने को मिलता है इस फ़ोन में। देखिए, सबसे पहले बात जो मुझे सबसे गंदी या सबसे ख़राब लगी वो है मोटोरोला सी प्लस के अंदर आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलता है, फिर भी मिलता है तो मिलता है, वो भी बहुत ओल्ड मतलब बहुत पुराना वाला एक प्रोसेसर आपको मिलता है जो कि MT6737 का मिलता है। तो ये देखिए, मेरे पास एक लाइव का फ़ोन है अभी जिससे मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इस फ़ोन में भी ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। ये मतलब 5000 रुपीज़ के अंदर आता है फिर भी ये ठीक नहीं है, मतलब ये 4000 रुपीज़ के अंदर आता है तो ठीक है ये प्रोसेसर, 5000 रुपीज़ के अंदर आता है ये प्रोसेसर और मोटोरोला आप इसको दे रहा है 10,000 में, तो आपके ऊपर है। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप तो समझ पा रहे हो, यहाँ पर 5000 रुपीज़ के एक फ़ोन के अंदर आपको ये प्रोसेसर सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, सिर्फ यहाँ पर ब्रांड के भरोसे और कुछ ज़्यादा फीचर्स के भरोसे आपको ये फ़ोन 10,000 में मिल रहा है, तो ठीक है। तो अब आगे बात करते, तो ये थे प्रोसेसर के बाद, इसके बाद आपको रैम मिलता है 2GB वाला, इसको इंटरनल स्टोरेज मिलता है वो भी 16GB ओनली, मतलब 32GB भी मिल जाता है आज के इस प्राइस के ज़माने पे आपको मिल रहा है बस 16GB ओनली और 2GB रैम, तो वो ठीक ठाक चल जाता है। और यहाँ पर आपको 8MP कैमरा मिलता है जो कि ओनली ऑन, मतलब आप किसी भी तरह ट्राई कर लो इसका जो चिपसेट है ये इस तरह सपोर्ट ही नहीं करता, 720p पे रिकॉर्डिंग कर सकता है, 1080p आप भूल ही जाइए, किसी भी तरह आप नहीं कर सकते क्योंकि चिपसेट ही सपोर्ट नहीं करता है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो 720p आप सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकते हो और इसका 8MP का कैमरा तो मिल जाता है। और यहाँ पर जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बताया MT6737 आपको देखने को मिलता है, मतलब मीडिया टेक का एक प्रोसेसर जिसके साथ आपको 2GB रैम देखने को मिलता है, 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट यहाँ पर है बैटरी, 4000mAh का एक बैटरी मिलता है जो कि लिथियम आयरन का बैटरी है, सॉरी यहाँ पर लिथियम आयरन के नहीं लिथियम पॉलीमर का आपको बैटरी देखने को मिलता है जो कि 4000mAh का बैटरी है। तो बैटरी के मामले मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही चल जाता है। और इसके बाद अगर डिस्प्ले की बात करें तो 5 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि ओनली 720p का है, मतलब सिर्फ HD आपको सपोर्ट करता है और HD प्लेबैक और प्ले रिकॉर्ड भी करता है। तो 5 इंच का ये डिस्प्ले मिलता है, 4000mAh का एक लिथियम पॉलीमर का बैटरी मिलता है, और जो पॉलीमर इसलिए क्योंकि ये बैटरी निकाला जा सकता है, मतलब रिमूवेबल एक बैटरी के साथ आता है, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है बहुत सारे यूज़र्स के लिए। तो ये था मेन हाईलाइट्स पॉइंट, इसके बारे में थोड़ा डीलिंग की बात करते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और क्या क्या कैस किस तरह आपको प्रोसेसर किस तरह आपका कैमरा मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं फ़ोन की डिटेलिंग के बारे में। देखिए, फ़ोन ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, लगभग 162 ग्राम आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, जो कि मेरे ख्याल से इस फ़ोन के मामले से भी ज़्यादा भारी, ये 152 ग्राम है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 162 ग्राम, तो अभी लाइट वेट भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा भारी है और आज के ज़माने के फ़ोन की तरफ से तो उससे ज़्यादा थोड़ा भारी है। और यहाँ पर मीडिया टेक का प्रोसेसर आपको मिलता है जो कि MT6737 का देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट है, जो सबसे बड़ी हाईलाइट, मोटोरोला खुद बोल रहा है कि हमारे इस फ़ोन में सबसे बड़ा बैटरी देखने को मिल रहा है, इस फ़ोन में हम सबसे लोएस्ट बजट में दे रहे हैं और इस फ़ोन में आपका लेटेस्ट अपडेट एंड्रॉयड 7.0 यानी नोगट आपको देखने को मिलता है। तो मोटोरोला ये ठीक कर देता है, मतलब मोटोरोला की तरफ से जब भी फ़ोन निकलता है वो एकदम लेटेस्ट वाला जो OS होता है या लेटेस्ट वाला जो एंड्रॉयड वर्जन होता है वही देता है लगभग, जैसे कि अभी उन्होंने यहाँ पर दिया है एंड्रॉयड 7.0। तो देखिए, मोटोरोला सी प्लस जो फ़ोन है ये बहुत दिन पहले, मतलब आज से करीब वन मंथ होने जा रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा रिलीज़ हो चुका है और ये फ़ोन का सजेस्ट में आखिरी में मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले आपको मैं डिटेलिंग से बता देता हूँ, यहाँ पर कैमरा का बात किया जाए तो यहाँ पर कैमरा आपको 8MP देखने को मिलता है जो कि फोकस 2.2 है, इसके साथ जो ऑटो फोकस आपको देखने को मिलता है, LED फ्लैश है, ये डुअल टोन LED फ्लैश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ LED फ्लैश है, तो ये ठीक ठाक मेरे ख्याल से हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है वो भी 2MP का फ्रंट कैमरा है, और यहाँ पर ये ओनली ऑन फोकस है 2.8 और यहाँ पर LED फ्लैश के साथ आता है, मतलब आपका फ्रंट में भी अच्छा खासा फोटोज आप खींच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डार्क लाइट में अच्छा खासा थोड़ा बहुत अच्छा आ सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको LED फ्लैश देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर ऑटो फोकस नहीं दिया है, जैसे जानते हैं आप किसी भी फोन में ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, फिक्स फोकस
यहाँ पर दिया हुआ है। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है वो 720 पे दोनों ही कैमरा से 720 पे रिकॉर्डिंग करता है, 30 FPS में रिकॉर्ड करता है, 60 FPS भी नहीं, 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है। इसके बाद और अदर्स फीचर्स के बारे में जैसे बात करें, जैसे सेंसर्स वगैरह हो जाए तो सेंसर्स ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है, एक्सपेरिमेंटल जेलेस्कोप सेंसर भी ठीक ठाक से नहीं देखने को, क्योंकि चिप से ही सपोर्ट नहीं करता जेलेस्कोप सेंसर, तो जेलेस्कोप सेंसर आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। एक्सेलेरोमीटर मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी मिल जाता है, थोड़े कॉमन जो फीचर्स आपको देखने को मिलता है, कॉमन जो सेंसर देखने को मिलता है वही आपको इस फोन में भी देखने को मिलता है। ज़्यादा वगैरह आजकल का जो आयर ब्लास्टर वगैरह देखने को मिलता है इस प्राइस के अंदर, और भी जैसे शाओमी जैसे ब्रांड की तरफ से, तो वो सब यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये था इसका थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज, जो कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि ये शायद दे सकता था इस फोन के अंदर। यहाँ पर प्लेटफॉर्म या बात कर ले OS वगैरह प्रोसेसर वगैरह की अगर बात थोड़ा डीपली बात किया जाए, तो आपको एंड्रॉइड 7.0 तो मिल ही जाता है नोगाट, जो कि कुछ दिन पहले लेटेस्ट अपडेट आया है, तो वो तो मिल ही जाता है। इसके साथ आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो है क्वाड कोर का 1.3 गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स का, तो 1.3 गीगाहर्ट्ज़ आपको क्लॉक्ड वेज मिल जाता है, और सिर्फ और सिर्फ 2GB रैम मिलता है, और यहाँ पर प्रोसेसर बहुत पुराना मिलता है। ये था इसका एक पॉइंट जो कि मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा। और माली का 720MP2 आपको GPU देखने को मिलता है, जो गेमिंग के लिए एकदम ही सही नहीं, मतलब आप अगर रोज़ाना लगभग एक दो घंटा भी छोड़ दो यार, 30 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके अगर गेम खेलते हो कभी कभार, हर डे पे थोड़ा बहुत इंटरनेट कल चला लेते हो, जैसे कि आम यूज़र्स जो होते हैं फ़ोन आते लेते हैं और कभी कभार एंटरटेन के लिए वीडियोज़ वगैरह देख लेते, गेम वगैरह थोड़ी बहुत खेल लेते हैं, तो वो लोग के लिए ये फ़ोन सही हो सकता है। पर अदरवाइज़ अगर आप हैवी यूज़र्स तो छोड़ दीजिए, मतलब आप मीडियम यूज़र्स भी हो, मैं भी मीडियम यूज़र्स, मैं हैवी यूज़ नहीं करता अपने फ़ोन पे, तो इसके लिए फ़ोन तो सही नहीं है। एकदम लाइट यूजेस के लिए ये फ़ोन सही हो सकता है। तो ये थोड़ी देर करके मैं टिप्स दे रहा हूँ, इसे पकड़ना ठीक से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यही था कुछ इसका बातें, अभी तो मैंने सारी चीज़ बता दिया है। यहाँ पर मोटोरोला के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मोटोरोला के शायद आफ्टर सेल सर्विस अच्छा हो सकता है, यहाँ पर आपको कुछ एडवांटेज मिल सकता है, वो है बैटरी आप रिमूव कर सकते हो, 4000mAh का बैटरी मिलता है, ये मुझे सिर्फ अच्छा लगा है एक पॉइंट, ठीक है। बाकी सब कुछ एकदम बकवास है इस प्राइस के अंदर, अगर 2000 मतलब 2000 या 3000 भी कम हो जाता इस प्राइस इस फ़ोन का तो शायद ठीक हो जाता, क्योंकि मोटोरोला के ब्रांड की तरफ से। पर यहाँ पर एकदम प्राइस बहुत हाई है, मतलब जितना उन्होंने फीचर्स वगैरह दिया है, तो उसके मामले में ये ठीक नहीं किया। तो यही था सारे ओपिनियंस, यही था सारे चीज़ जो आपको देखने को मिल रहा था इस फ़ोन के अंदर, और मेरा ओपिनियन मैंने बता दिया आपको क्या करना चाहिए, तो आप इसके फ़ोन की तरफ मत जाइए, आप अगर मीडियम यूज़र्स है तो भी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आने पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, और इस तरह मैं रोजाना आपको लिए वीडियोस लाते रहूँगा और आगे भी बनाते रहूँगा। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन इन द वीडियो, बाय बाय।